नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश बकोरे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके सभी पालतू परिंदे मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी ठंड की बाजियों के लिए तैयारियां शुरू हो गई है लोगों की, कबूतरबाज भाइयों की तैयारियां अभी शुरू हो चुकी है। कुछ लोग अपने कबूतरों की खुराक कर रहे हैं, कुछ लोग उड़ान बढ़ाने के नुस्खे कर रहे हैं, दवाई दारू कर रहे हैं। तो भाई, मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं भी अपने कबूतरों के लिए कुछ ना कुछ करूं। अब मेरे पास ज़्यादा उड़ने वाले कबूतर नहीं है, 4-6 कबूतर हैं जो अच्छी उड़ान देते हैं और मेरे इधर बाजी वाजी होती नहीं है। मैं अपने एरिया में अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने गांव में कबूतर पालता हूं। तो ठीक है, फिर भी मुझे आज से ही अपने कबूतरों के लिए अच्छी अच्छी टॉनिक और अच्छी अच्छी दवाइयाँ चालू करना पड़ेगी, क्योंकि उड़ान बढ़ाने के लिए तो मेरे पास हमेशा रहता है। बाकी मैं ऐसे कबूतर जो कम उड़ते हैं उनको उन दवाइयों से कोई मतलब नहीं और मुझे टाइम मिलता भी नहीं है उड़ाने का। इसलिए मैं भाई आज से नया टॉनिक चालू कर रहा हूँ और टॉनिक बेस्ट तरीके से काम करेगा। और अभी मैंने कबूतरों को दाना डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि पानी के ऊपर मैंने एक टब ढाक दिया है ताकि पानी नहीं पिए। और अपन पहले ये डालेंगे टॉनिक 10 ml और उसके बाद अपन इनको पानी पीने देंगे। तो अभी कबूतरों ने अच्छा खासा दाना पानी खा लिया है, मैं बासी रोटी भी लाया था या मसल के डाल दी थी और कबूतरों अंदर भी जाने लग गए हैं। बाकी अभी और दाना डालना बाकी है। तो दोस्तों, हम ये टॉनिक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे और उसके बाद हम इसको 10 ml डाल देंगे। तो अभी हम पानी में इसको 10 ml डाल देते हैं, 2 ढक्कन डाल देंगे क्योंकि अभी मैं अकेला ही हूँ भाई, कोई है नहीं मेरे साथ है, तो थोड़ा निकालने में भी आफत आएगी। ये आप देख सकते हैं, मैं छोटे ढक्कन से ही निकाल लूँगा। और टॉनिक बहुत ही बेस्ट है भाई, ये आप देख सकते हैं, ये अपना साफ शुद्ध पानी, ये 5 ml गई और ये 5 ml और डाल देते हैं। 5-4 हो गई है ढक्कन में, अब इतना अच्छे से तो मैंने नापा नहीं है। और ये अपन ने दवाई को मिक्स कर दिया, ये इसका कलर काला हो गया है भाई। और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं और ये दवाई अपनी वापस रख देते हैं। तो दोस्तों, इस दवाई से क्या होगा, विटामिन, प्रोटीन और उनके अंदर जो भी आयरन वगैरह जो भी कमी है, जो जो शरीर में कबूतर के कमी होती है, वो सारी कमियाँ इससे दूर हो जाएगी। अभी कबूतरों को पानी मैंने दिया नहीं है, अब मैं दवाई डाल के आया हूँ, देखते हैं कबूतर कब पीते हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने पिया नहीं है। सुबह वैसे ज़्यादा पानी पीते नहीं हैं कबूतर। और दाना भी डाल देते हैं, पहले पानी पिला देते हैं, एक बार का दाना और डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं कि दवाई वाला पानी पियेंगे कबूतर और इसे ही दिन में भर के ड्रिंकर में भी रख दूंगा अंदर। ये भाई कबूतर पीते हैं, जब तक पीते हैं उतना पीते हैं और उसमें नहा लेते हैं तो दवाई वाला पानी वेस्टेज चले जाता है, इसलिए खड़े रहना पड़ता है। और अभी हम दाना डाल देते हैं ताकि सारे कबूतर और दाना खा लें। और ये अपना दाना, ये मिक्स दाना है, ये आप इसमें देख सकते हैं सारी चीज़ें। भाई इसमें मूंग नहीं है, मैं मूंग नहीं लाया था क्योंकि मूंग बहुत महंगे आ रहे हैं भाई, 110-112 रुपए किलो मूंग हो रहे हैं, तो मैं नहीं लाया था। तो दोस्तों, ये दवाई आप रेगुलर पिला सकते हैं। अगर आप इसको एक टाइम पिलाते हैं तो पूरे सप्ताह पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 2 टाइम पिलाते हैं तो आप इसको 3 दिन तक पिलाएं एक सप्ताह में, फिर 3 दिन बंद कर दें, फिर 3 दिन पिलाएं, ऐसे आप हमेशा पिला सकते हैं। तो इससे आपके कबूतरों में ये सूखे की प्रॉब्लम और जो कमज़ोरी वगैरह कोई दूसरी है, कोई उड़ने में कबूतर जल्दी थक जाते हैं या उनकी सांस फूल जाती है, ऐसी प्रॉब्लम जो आ रही है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इन चीज़ों से आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि आप लोगों को कबूतर उड़ाना तो अच्छे से याद है, बाकी उनकी दवाइयों में आप कुछ ना कुछ कमी रख देते हैं, उनके शरीर में क्या कमी रख देते हैं जो कि आपके कबूतरों को आगे उड़ने नहीं देती, बार बार सांस फूल जाती है,
और उनके पर में दर्द होने लगता है, उनके कुंदों में पानी भर जाता है, पर खींचा जाता है। इन समस्याओं का ये समाधान है कि आप अच्छी से अच्छी टॉनिक इनको पिलाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।